पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रक अथॉरिटी ने दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। दिल्ली हरियाणा में 5 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक लगाई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब वाला, बच्चे जवान बूढ़े मास्क पहनने को मजबूर, आसमान में छाई हुई है अजीब सी दम घोटू धुंध। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 5 नवंबर तक सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया, प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, हरियाणा पंजाब में पराली जलाने का विरोध किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने स्कूली बच्चों को बांटे मास्क, 50 लाख मास्क बांटे जाएंगे। केजरीवाल बोले, प्रदूषण की वजह से दिल्ली बन गई है गैस चैम्बर। पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर ने कहा, केजरीवाल प्रदूषण का राजनीतिकरण कर रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए पेरिफेरल हाईवे बनाने के लिए जो पैसे देने थे वो तो केजरीवाल ने नहीं दिए। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में मैच रद्द नहीं होंगे, बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली बोले, आखिरी वक्त में मैच कैंसिल नहीं होते। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में कैप्टन रोहित शर्मा बोले, मैच पर प्रदूषण का असर नहीं दिखेगा, हम तैयार हैं। गंभीर ने मैच रद्द करने की मांग की है। दिल्ली में ब्लू लाइन मेट्रो में धुआं उठने की खबर के बाद ट्रेन को खाली कराया गया, आरके आश्रम स्टेशन की घटना। करतारपुर जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं पर पाकिस्तान का ऐलान, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, आई कार्ड से चलेगा काम, पहले दिन दर्शन के लिए फीस नहीं लगेगी। एमपी के भिंड में छात्राओं पर मधुमक्खियों का अटैक, भगदड़ मची, एमपी स्थापना दिवस समारोह में जा रही थी बच्चियां। यूपी के बुलंदशहर में फ्रेट कॉरिडोर को लेकर बवाल बढ़ा, किसानों ने जबरन काम रुकवा दिया, ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान। जयपुर में एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल से मुश्किल, मरीज हुए परेशान, कर्मचारी पक्की नौकरी की कर रहे हैं मांग। यूपी के बुलंदशहर में राशन बांटने को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प हो गई, दलित समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट दफ्तर पर प्रदर्शन किया। यूपी के बागपत में तमंचे पर डिस्को करते युवक का वीडियो वायरल, लड़की के साथ नाचा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में नगर निगम ने चलाया गड्ढों के साथ सेल्फी अभियान ताकि सड़कों की हालत सुधरे, लोग खूब भेज रहे हैं सेल्फी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में मछुआरों ने दुर्लभ मछली को पकड़ा, मयूर नाम की इस मछली की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। प्रतापगढ़ में 600 जिंदा कछुओं के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, ट्रेन में जीआरपी पुलिस ने पकड़ा। बिहार के हाजीपुर में एक सांड ने सड़क पर तांडव मचा दिया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, सड़क पर बाल बाल बचे लोग। केरल में समंदर में उफान आने से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, एर्नाकुलम में लोग परेशान, तूफान की वजह से समंदर में बड़ी लहरें उठी। चक्रवाती तूफान महा की वजह से लक्षद्वीप पर भी संकट, तेज हवाएं चली, बारिश हुई, कई जगह पानी भर गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टैंकर ने दो लोगों को कुचला, दोनों की मौत, महिलाओं ने विरोध में किया प्रदर्शन। तेलंगाना के हैदराबाद में एक महिला का आरोप, उसके पति ने दांत खराब होने की वजह से दे दिया 3 तलाक, पुलिस ने केस दर्ज किया। तमिलनाडु के मदुरई में तेज बारिश के बाद वेगई नदी का जलस्तर बढ़ गया, पुल पर आवाजाही रोकनी पड़ी। राम मंदिर फैसले से पहले हिंसा से निपटने की मॉक ड्रिल में फेल हुई बागपत पुलिस, पैलेट गन और स्मोक गन को जवान फायर भी नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने 2 वैन में आग लगाई, गैर कश्मीरियों को डराने की है आतंकी साजिश। दिल्ली एयरपोर्ट पर आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा, कल रात विस्फोटक से भरा बैग मिला, एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। शिवसेना नेता संजय राउत बीजेपी पर बोले, बड़े बड़े सिकंदर समंदर में बह गए, हमने ठान लिया तो बहुमत जुटा कर ही मानेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक बोले, बीजेपी शिवसेना सरकार नहीं बनाती तो हम बनाएंगे, कल संजय राउत पवार से मिले थे।
कांग्रेस नेता संजय निरुपम बोले, बीजेपी शिवसेना कर रही है नौटंकी, शिवसेना के झांसे में ना आए कांग्रेस। चुनाव आयोग आज शाम 4:30 बजे झारखंड विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान करेगा। नक्सल प्रभावित इलाकों की वजह से कई चरणों में हो सकते हैं चुनाव। पीएम मोदी बोले, जर्मनी के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ खूब लड़ेंगे, दोनों देशों की दोस्ती और मजबूत होगी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 2 दिन के भारत दौरे पर, मोदी से मुलाकात के बाद 20 अहम करारों पर सहमति बनी। पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने उपराज्यपाल किरण बेदी को डीमन यानी शैतान कह दिया। देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री बढ़ी 7 महीनों में, ऐसा पहली बार। बिक्री घटने के आधार पर लगाए जा रहे थे सुस्त अर्थव्यवस्था के आरोप। मिजोरम में भारतीय सेना ने जापान के सैनिकों के साथ युद्ध अभ्यास किया, आतंकियों को ढेर करने के ऑपरेशन की प्रैक्टिस की। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने पर लेह में आज भी जश्न मनाया, लेह पैलेस में हुआ रंगारंग कार्यक्रम। लद्दाख से सांसद जामयांग